आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन पीस अम्ब्रेला गाउन की कटिंग और उसकी स्टिचिंग सिखाने वाला हूं। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे पेपर कटिंग्स को मंगवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये फैब्रिक लिया है, 3 मीटर हमारे पास फैब्रिक है। इसे हम किस तरीके से कटिंग करेंगे आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों अभी मैं जो कपड़ा आपको सेट करके दिखाऊंगा अम्ब्रेला, उसे कैसे सेट करना है। तो ये देखिए, मान लीजिए हमारा ये कपड़ा है, हमें इसको इस तरीके से सेट करना होता है और इसको हम इस तरीके से जो है कटिंग करेंगे। ठीक है, ये पूरी डिटेल दोस्तों आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। और अम्ब्रेला को कैसे कटिंग करना चाहिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना, आपको अम्ब्रेला कटिंग करना आ जाएगा। अब दोस्तों आपको बता देते हैं हम इसका नाप। तो यहाँ पे जो इसका नाप होने वाला है दोस्तों, लंबाई है 45 इंच, चेस्ट 19 इंच तैयार है, ये हाफ नाप बता रहा हूँ मैं आपको, कमर 17 इंच का, तीरा 14 इंच हमने बॉडी मेजरमेंट कर लिया है, आगे का गला दोस्तों 7 इंच, पीछे का गला 4 इंच। तो ये हमारा नाप है, इसको हम अलग करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो ये कपड़ा है, हमें किस तरीके से इसे सेट करना है। तो सबसे पहले तो हम कपड़े को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए कोई फूल नहीं है, ऊपर जा रहा है, इस तरफ में ऊपर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से दोस्तों मिला लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा इस तरीके से ही पूरा का पूरा बैठ जाएगा। अब मैंने जैसे आपको पेपर पे बताया ना त्रिकोण आपको बिठाना है, बिल्कुल दोस्तों मैं इसे सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों आप ध्यान से एक बार, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से पूरा सेट कर दिया, आप देख सकते हैं जैसा आपको त्रिकोण बताया था इस तरीके से कर दिया। इस साइड से हमने ये आपका कपड़ा ये सीधा करने के लिए निशान लगा दे, इसको हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए हमारा तीरा था 14 इंच, तो 14 का आधा दोस्तों कितना हो गया, 7। हम इंची टेप लेके यहाँ पे 7 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और जब ये निशान लगाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि अब इसको हम ऐसे नापेंगे, ये आ रहा है आपका 10.5, यहाँ पे आ रहा है आपका 7.5, इतना फर्क पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये ओरेब हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, लंबाई दोस्तों हमारी यहाँ पे 45 है, तो हम इसे इंची टेप ऐसे लेंगे, ध्यान से देखना 45 है, तो दोस्तों इसमें आधा इंच प्लस करके इसमें 45.5 यानी कि 45.5 का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस जगह पर सेंटर में आपको एक निशान लेना है और इस जगह से आपको इंची टेप रखना है, और जो निशान हमने यहाँ पे 45.5 लगाया है, इंची टेप को ऐसे घुमाते जाना है, वो निशान आपको यहाँ पे लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूं, ये देखिए। अब दोस्तों ये जो निशान है, इस निशान को मैं डार्क कर लेता हूं। तो ये देखिए मैंने पूरा निशान लगा दिया। अब यहां पे देखिए आप, इस जगह पर हमने तीरे का निशान लिया था 7 इंच, यहाँ पे दोस्तों जो लंबाई में नाप लेना है ये हम निशान लगाएंगे 7.5 पे। ठीक है, कमर का जो निशान लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे हम 15 इंच पे, और इन दोनों निशानों को करेंगे हम स्केल की मदद से सीधा इस तरीके से। एक निशान ये सीधा हो जाएगा, दूसरा निशान ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पहला गले का ब्रॉड का निशान जो कि हम लेंगे 5.5, उसका हाफ 2.5, यहाँ पे 7 लिया था हमने, इस तरीके से 7 आपको यहाँ भी लेना है और एक निशान लगाना है। इससे हम तकरीबन 1 इंच कम करके एक निशान ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का निशान हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं ये है चेस्ट 19 इंच की, हम इसमें एक पैर कम कर लेंगे क्योंकि ओर वे खींचेगा, तो आधा इंच भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कम कर लें। ये निशान लगा दिया। कमर का निशान दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे 17 है, तो उसमें एक पैर कम करके इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये दो निशान हो गए, इन दोनों निशानों को दोस्तों हम ऐसे मिला देंगे। अब आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन ऐसे मिला दें, ये देखिए हमें इतना मार्जिन चाहिए। अब दोस्तों इस जगह से आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे दोस्तों आप इसको निशान सीधा लगा लेंगे। तो दोस्तों निशान लगा दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ऊपर वाले निशान से इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाना है, देखें जैसे मैं मिला रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ से कंधे को डाउन कर देंगे 0.25 इंच, जो गले का ब्रॉड है वहाँ से 0.25 इंच आपको डाउन कर देना है। ठीक है, ये डाउन कर दिया, यहाँ से हम दे देंगे सेव, इस तरीके से हम यहाँ पे सेव दे देंगे। अब दोस्तों कटिंग से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देखें दोस्तों, शायद आपको निशान ना दिखता हो,
ये आपका लंबाई का निशान हो गया, यहाँ से हम इसे कटिंग करेंगे इस निशान पर, और ये निशान आपका ऐसे जा रहा है, और ये आपका पूरा राउंड में निशान आ गया। तो हमने अभी जो आपको निशान दिखाया ना, इसी निशान पे दोस्तों हम इसको कैंची से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग कर दिया, मैं यहाँ पे इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये मैंने कटिंग कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको अलग करने के बाद इसके फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ पे देखिए, पास से दिखाता हूँ, ये वाले हिस्से को कटिंग कर लेना है, यहाँ पे साइज का कट लगा लेना है, यहाँ भी कट लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पे जो सिलाई होगी ना आपकी, हल्का सा ऐसे राउंड देते हुए आपको इस तरीके से सिलाई यहाँ पे लेके जानी होगी, इस तरीके से नीचे तक। और दोस्तों यही सेम निशान आप दूसरे पल्ले पे उठा लें, जिससे कि हम सिलाई का निशान, मतलब सिलाई बहुत आराम से लगा पाएं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आपका इतना बड़ा जोड़। तो साइड में हमारे पास जो ये कपड़ा बचा है, ये वाला जो दोस्तों कपड़ा बचा है, इसको हमें इस तरीके से रखना है, ध्यान से देखना, इस तरीके से रखना है। ये देखें, ये कपड़ा जो है आपका, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मिला के दोस्तों रख रहा हूँ। ये हमने ऐसे मिला के रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ना आपको जितना आपका ये निशान आ रहा है, इस पे निशान उठा लें और इसको कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसके जोड़ को कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा है वो दोस्तों इतना बचा है, इसमें आप आराम से जो है अपनी 5-6 इंच की बाजू बना सकते हैं, या फिर कट स्लिप भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस जोड़ को लगाना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो हिस्सा है आपका, इस हिस्से पे आपको ऐसे लेना है, इधर वाले एक हिस्से को लेना है, और इसको हम इस तरीके से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे हम देखिए, पास से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगने के बाद आपका ऐसे हो जाएगा, और ये आपका जोड़ लग जाएगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको जो ये वाला जोड़ है, आपको इसको ऐसे रखना है, तो यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे, फिर ओवरलॉक करके दोस्तों इसको साफ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगा दिया मैंने जोड़, और यहाँ पे ओवरलॉक कर ली, और उसके बाद इसको निशान को मैंने ऐसे करके दूसरी तरफ भी निशान उठा दिया, ठीक है। ये फ्रंट पल्ला है, अब आपको क्या करना है, इसको करेंगे हम ओपन, ठीक है। और ये याद रखना दोस्तों, ये ओरेब है थोड़ा, तो ये आपका थोड़ा बढ़ेगा, तो आराम से आप इसके सेंटर में जो है एक निशान लगा लें, और जो भी गला बनाना है, जैसे मैं ये गला बनाने जा रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है, एक सिलाई दोस्तों सेंटर में लगा के आपको ये जमा लेना है, दूसरी सिलाई दोस्तों इस गले के किनारे पे आपको लगाते हुए आना है इस तरीके से, तो आपका ये गला जम जाएगा। सेम इसी तरीके से बैक गला भी जमा लें। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने गले को जमा दिया, सेम गले को हमने बैक वाले को भी देखिए यहाँ पर जमा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे पूरे गले को इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है, और दोस्तों इसके किनारे पे जो है हमें एक सिलाई लगा लेनी है, सिर्फ आगे वाले के, पीछे वाले के नहीं लगानी। तो देखिए दोस्तों, गले पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे गला जो कट करते हैं ना, तो यहाँ सेंटर में हमें कट भी लगाने थोड़े थोड़े से, जिससे गला पलट पाए, हमने फ्रंट गले में भी लगाए थे कट। अब देखिए कंधी को हमें जोड़ना है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, हल्का सा नाखून लगाएंगे, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों और भाई छोटा बड़ा ये हो जाएगा, इसको एडजस्ट करके आधा इंच के मार्जिन से दोस्तों आपको सिलाई लगानी, और यहाँ पे लाके इसको इस तरीके से पलट देना है, आपकी कंधी जुड़ जाएगी, फिर दूसरी सिलाई लगा लें, मजबूती आ जाएगी। सेम इसी तरीके से दोस्तों इधर वाली कंधी को भी हम जोड़ देंगे, उसके बाद इसे ओवरलॉक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंधी जोड़ के हमने यहाँ पर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दी, अब ये तैयार हो गया। अब हमने इसको डबल में मिला दिया, इस साइड में जो निशान है दोस्तों, इसी फिटिंग पे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है, यहाँ पे राउंड देना है, और इसको ऐसे घुमाते हुए दोस्तों आप देखिए नीचे तक, ये आपका जो हिस्सा है पूरा का पूरा, इसको ऐसे मिलाते हुए जाना है, और यहाँ पे सिलाई उतार देनी है, फिर एक सिलाई और लगा लें आप लूज के लिए। उसी तरीके से दोस्तों आपका जो दूसरी साइड है, इसमें भी आपको सिलाई लगानी है, इसमें सिलाई आपकी नीचे की साइड से स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों सिलाई लगा लेते हैं, और जो नीचे वाला हमारा घेरा है, इसमें आपको पाइपिंग लगानी है, तो इसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फोल्ड करना है, तो देखिए पहले आपको इसे एक बार ऐसे फोल्ड करना होगा, उसके बाद इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करना होगा, पूरे घेरे को ऐसे फोल्ड कर लें, तो ये आपकी पूरी कमीज जो है यहाँ पे बन जाएगी। फिर लगाएंगे हम बाजू। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से आधा मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपको बाजू बड़ी बनानी है तो 3.5 मीटर आप कपड़ा लें, छोटी बाजू बनानी है या कट स्लिप बनानी, वो आपकी 3 मीटर में बन जाएगी। अब देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है, 1, 2, और ये आपका जोड़ वाला 2, ये हो गए। तो टोटल में हमारे 4 कपड़े को हमने इस तरीके से रखा। एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, 3.5 का एक निशान लगाएंगे आर्म लेंथ का। बाजू लंबाई हमारी 20, तो हम 20.5 पे लगाएंगे,
दोनों निशानों को हम इसके लिए मदद से ऐसे सीधा करेंगे। यहाँ पे बाजू का राउंड आर्म होल रखेंगे जो कि है 7.25, यहाँ पे बाजू की मोरी जो कि है 4.25। अब इसको हम स्केल की मदद से ऐसे करके मिला देंगे ऊपर तक और यहाँ पे हम निशान उठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से तुरपाई के सिलाई के मार्जिन के हिसाब से, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये वाले निशान को आपको जितना लेना है एक्स्ट्रा निशान से उतना मार्जिन ले सकते हैं। अभी हमारी बाजू कटिंग होगी, एक कट ये आएगा, एक कट हमारा ये आएगा और एक कट फोल्ड का आएगा। फिर इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ पे हम इस बाजू को इस तरीके से एक फ्रंट कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग होने के बाद अब आपको इसमें से एक पल्ला लेना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बाजू इसमें जोड़ना है आपको। बस आपको इस तरीके से एक फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड करना है और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम सिलाई आपको यहाँ भी इसमें भी लगा लेनी है। यहाँ पे बाजू की मोरी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये निशान हमें इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी फिटिंग की यहाँ तक, और सेम हम दूसरी बाजू में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसकी लुक आएगी। बाजू मैं यहाँ पे चढ़ा चुका हूँ, ये देखिए। अगर आपको बाजू चढ़ानी नहीं आती तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, बहुत ईजी आप चढ़ाना सीख जाएंगे। तो इस तरीके दोस्तों पूरा घेरा आएगा, वन पीस ये आपका गाउन है और ये हिस्सा जो है आपका इस तरीके से खींचेगा। तो नाप रखते वक्त आपको ये देखना है कि ये ओरेब है पूरा, उसी हिसाब से आप इसको रखें। और जैसे जैसे आपको बताया आप उसे इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से ये बना लेंगे। ये है अम्ब्रेला, आप इसे फ्रॉक कह लो या ड्रेस कह लो, लेकिन जब आप बनाएंगे अम्ब्रेला गाउन तो इसके लिए कपड़ा ज़्यादा लगे क्योंकि वो पूरी लेंथ में लंबाई में ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बनाना सिखाया कि किस तरीके से आप 3.5 मीटर में बाजू वाला अम्ब्रेला ड्रेस बना सकते हैं। तो ये आप वीडियो देख के बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपका कैसा बना, और आगे आपको कौन सी ड्रेस चाहिए वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। अगर किसी को हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो या हमारे से पैटर्न परचेस करनी हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी जानकारी लें। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो नंबर मैं बता देता हूँ, 8860206392, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर इंडिया से बाहर से हैं आप तो +91 लगा लेना, ये इंडिया का कोड है। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।